तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा कंटेंट है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हार्डवेयर से रिलेटेड। ऐसा मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, वीवो का एक फोन है हमारे पास। वीवो का ये है Y69। ये मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, ये वीवो का Y69 है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसमें टेम्परेचर लो का एरर आ रहा है। तो ये हम सारी चीजें आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे कि इसका क्या क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो फाइनली पहले हम इसके प्रॉब्लम को आपको दिखा देते हैं। तो इसके मैंने ये देखिए चार्जर लगा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। ये वीवो लिख करके आ गया यहाँ पे, और आपको भी दिख जाएगा फ्रेंड कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर इसका सोल्यूशन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिख करके आ रहा है फोन टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग हैज बिन सपोर्ट। तो यहाँ पे जो इसका प्रॉब्लम है, इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फिर आइकन वो चला गया। फिर से हम अगर इसको निकालते हैं और वापस से लगाते हैं तो आपको वही चीज़ दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, ये BSI लाइन की वजह से आता है। अगर BSI लाइन आपको और कोई भी चीज़ चेक नहीं करना है, आपको इसमें BSI लाइन को चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं वापस से हमारे यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं एंडलेस सोल्यूशन दूंगा 100% आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ। क्या क्या कर सकते हैं सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का इरर है। यहाँ पे अब मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो में बने रहें। जो इसमें एरर आ रहा था, लो टेम्परेचर का जो एरर आ रहा था यहाँ पे, तो लो टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, ये आता है फ्रेंड BSI के लाइन से आता है। तो BSI की सप्लाई या तो ओपन हो जाती है, नहीं तो आपको ICU पे काम करना होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर शो हो रहा होगा। तो चलिए पहले हम इसके बीबैट पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं बीबैट पे प्रॉपर रीडिंग आ रही है। उसके साइड में जो लेफ्ट वाला है उसकी ग्राउंड है, बीच वाली जो पिन आप देख रहे हैं फ्रेंड ये है उसका BSI का। तो आप देख सकते हैं बीच वाला ये ओपन हो चुका है, जाहिर सी बात है ये इसका TP है फ्रेंड। तो हमने सोचा यहाँ पे होगा, तो इसके TP में भी देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो मतलब फ्रेंड ये हमारी BSI की लाइन ओपन हो गई है। तो BSI की लाइन को हम ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे, जो भी कॉम्पोनेंट अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर कोई ट्रैक मिलती तो ट्रैक से भी हम उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं BSI लाइन हमारी ओपन है, इसलिए इस कारण की वजह से हमारा ये जो एरर आ रहा था। तो चलिए इसको हम इसका सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बीबैट की पूरी रीडिंग आ रही है, बीबैट की प्रॉपर रीडिंग आ रही है, पर जो हम BSI पे कनेक्ट कर रहे हैं बीच वाली पिनों पे, उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। ये उसका TP है, TP मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये दोनों देखिए अभी बीप आ जाएगा, बीप आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैक सही है। इसके नीचे का ट्रैक ओपन हो चुका है फ्रेंड। तो आप यहाँ से अब इसके ट्रैक को हम देखेंगे कि ट्रैक यहाँ पे कहाँ पे मिलती है। तो आई होप मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन दूंगा आपको, जो भी होगा इसका डायरेक्ट सोल्यूशन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दिया कि BSI, अगर यहाँ पे रीडिंग आता फ्रेंड तो आपको सीधा ICU पे काम करना होता, इसके चार्जिंग IC पे काम करना होता, पावर IC पे आपको काम करना होता। बट यहाँ पे अगर ओपन है तो पहले हम ओपन की लाइन को सही करेंगे, उसके बाद देखेंगे काम करता है कि नहीं। तो गाइस इसका जब हमने ट्रेसिंग किया फाइंड आउट, तो हमारी BSI लाइन जो ओपन थी हमने उसका फाइनली सोल्यूशन कर दिया। आप एक जंपर देख सकते हो यहाँ पे, फिर हम इसको दिखाएंगे आपको कि ये काम हुआ कि नहीं, करता है कि नहीं करता है फाइनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जंपर हमने BSI के TP पे मारा हुआ है। इसका जो सोल्यूशन था आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाऊंगा सारी चीजें, कि कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो लेयर है। तो गाइज आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक पिक आपको डालूंगा यहाँ पे इसकी बोर्ड की, मैं एक पिक डालूंगा जिसमें आपको मैं उसमें भी दिखाई देगा, दो दो शो करेंगे। यहाँ पे मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कट नहीं दिखा रहा। कॉम्प्लेंट के बगल में आप देख सकते हैं दो लाइन गई हुई है यहाँ पे। मैंने एक उस लाइन को हमने ट्रेक किया बोर्नियो से, जब हमने देखा उसको ट्रेस किया तो देखा यहाँ पे एक लाइन आ रही थी, कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं था फ्रेंड। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा और अगर जूम हो जाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रैक बनी थी, दो ट्रैकों में एक लाइन आ रही थी BSI की लाइन जो ओपन हो गई थी, ट्रैक हमारा ओपन हो गया था। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक जंपर लिया है और दूसरा जंपर हमने BSI के TP पे यहाँ पे मार दिया, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो फाइनली ये जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारी BSI लाइन जैसे ही हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्लीन, और ये जो देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा PPT लगा हुआ है, रंगा लगा हुआ है, तो ये फाइनली अब हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर एक फोटो भी शो हो रही होगी फ्रेंड बोर्ड की, तो उसमें मार करके भी आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें अगर क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है तो एक आपको फोटो भी हम यहाँ पे अभी प्रोवाइड कराएंगे। साइड में ऊपर आपको फोटो भी डिस्प्ले हो रही है, तो उस फोटो से आपको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर टच करूँ तो यहाँ पे एक लाइन है फ्रेंड, यहाँ पे इस लाइन को BSI की लाइन है वो, तो यहाँ पे आपको उसको स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करने के बाद एक जम्पर यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पे कर देना है। तो फाइनली जब हमने उसको देखा तो ये ट्रेसिंग में मिला, तो BSI लाइन हमें मिल गई। अब उसको हम फाइनल आपको चेक करके दिखाएंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं।
तो गाइज इसमें हमने सोल्यूशन कर दिया, जैसे कि आपको हमने जंपर दिखाया था कि इसकी जो BSI की लाइन थी वो ओपन थी, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेस करके दिखाया हुआ था। तो फाइनली हमने इसके डायरेक्ट BSI के कनेक्टर पे नहीं मारा है, हमने यहाँ पे BSI का जो TP था टेस्ट पॉइंट था उस पर जंपर मार दिया है। उधर भी आपको हमने दिखाई देगा और जंपर में आपको दिखाया भी था कि कहाँ से आपको जंपर उठाने हैं। तो फाइनली चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से ये हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले मैं आपको रीडिंग चेक करके दिखा देता हूँ, फिर रीडिंग के बाद हम उसको चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसा कि आपने देखा था वहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही थी, BSI पे रीडिंग नहीं आ रही थी, तो हम चेक करते हैं BSI पे हमारी रीडिंग आ रही कि नहीं आ रही है। तो फाइनली मैं इसमें BSI पे जो हमारा रीडिंग नहीं आ रहा था फ्रेंड, मैं BSI पे आपको रीडिंग चेक करके दिखा देता हूँ। तो BSI पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए रीडिंग हमारी आ चुकी है, आपको यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ क्योंकि पकड़ते नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आ चुका है, अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्टर को लगा लेता हूँ आराम से, और यहाँ पे भी लगा लेता हूँ क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम था फ्रेंड BSI लाइन से प्रॉब्लम था, BSI लाइन पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी, तो जैसे क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे हमने लगा दिया है, इसका एंडलेस सोल्यूशन यही है, अगर यहाँ पे BSI लाइन ओके होती तो हमें पावर IC पे काम करना होता फ्रेंड। तो ये फाइनली चलिए हमने देखिए जैसे लगा दिया, अब मैं इसको चार्जर पे लगाता हूँ, यहाँ पे मैं चार्जर पे लगाता हूँ और देखता हूँ कि फाइनली ये काम होता है कि नहीं होता है फ्रेंड। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है चार्जर, और एम्पेयर भी आपको शो होगा और कंज्यूम आपको भी सारी चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे। ये देखिए इतना तो हमारा पहले से भी आ रहा था, टेम्परेचर लो का आ रहा था, पर यहाँ पे भी देखते हैं फाइनली हमारा काम होता है कि नहीं होता है फ्रेंड। तो जाहिर सी बात है अभी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा है, पहले जो एरर आ रहा था यहाँ पे जॉब डन हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसका एंडलेस सोल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको, इसका एंडलेस सोल्यूशन ये है कि अगर BSI लाइन अगर सही होती तो आपको इसका पावर IC चिप EMI चेंज करना होता, तब जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे जब हमने ट्रेस किया तो देखा कि BSI लाइन ओपन थी, तो हमने एक जंपर से इसका सोल्यूशन दे दिया, डायरेक्ट सोल्यूशन। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।